नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं लोमेश कुमार गौर, हमारे साथ है नवनिर्वाचित हरदा के विधायक, जो भारी लहर में, भाजपा की लहर के दौरान भी हरदा से जीत गए हैं। ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि आप हरदा से चुनाव जीत गए? देखिए, लहर के बाद चमत्कार तो आपको खोजना चाहिए, आप खोजी लोग हो, आपको खोजना चाहिए। चमत्कार तो जनता ने दिखाया है, जनता ने जिताया है, जनता ने लड़ाई लड़ी है। और यहाँ जिस तरह का प्रशासन शासन चल रहा था, उसमें आपने देखा भय भ्रष्टाचार की क्या हालत है, आपने देखा ये किस तरह का यहाँ बच्चों के साथ में खिलवाड़, जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। स्मेक और वाइट पाउडर क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, और लोगों को समय पे पानी नहीं मिल रहा, सोसाइटियों में गेहूँ अपने चने तुलनी रहे, मूंग तुलनी रहे, सारी बहुत सारी समस्या थी। उसको लेकर जनता ने विरोध में वोट दिया है और हमको जीता है। जनता ही चुनाव लड़ा, जनता को सिरे जाता और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को सिरे जाता जिन्होंने इसमें काम करके जीता। 2013 में भी आप विधायक थे, 2023 में भी आप फिर विधायक बने हैं। एक रहा कि अपने प्रदेश में सरकार जो भाजपा की रही, ऐसे में आप काम कैसे करा पाएंगे? विकास के काम जनता से बातें की हैं, वो कैसे पूरे? देखिए, मेरा काम करने का तरीका आपको मालूम, 5 साल मैंने जो 13 से 18 विधायक रहा, उस टाइम किस तरह के काम कराए थे और उसके बाद क्या काम हुए वो देख लें आप उठा के। सेंट्रल स्कूल मैंने रुकवाया, मॉडल कॉलेज मैंने रुकवाया, नहीं तो चला जाता, वापस जा रहे थे सब, है ना। और इस तरह के बहुत सारे काम है हमारे तो करेंगे। और सरकारें ठीक है, सरकारें किसी की भी हो पर काम करती है सरकारें। और जो जिले के विकास का पैसा है, विकास का फंड है, वो तो देना ही पड़ता है। कोई भी सरकार रहे तो उसके विकास कराएंगे। और बहुत सारी योजना है यहाँ पर जो सोशल गतिविधि के माध्यम से भी हम लोग करेंगे। हरदा जिले को लेकर कुछ सपना आपके मन में होगा, क्योंकि आपने क्योंकि काफी मेहनत से और एक कद्दावर नेता को चुनाव हराया। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के कद्दावर नेता को आपने चुनाव हरा दिया, तब आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने तो कद्दावर नेता को नहीं हराया, जनता ने हराया है। और जनता से क्वेश्चन पूछोगे क्यों हराया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अभी बोलने की बजाय अभी 4 दिन बाद बोलूंगा मैं अभी तो मैं तो यही कहूंगा कि जनता ने हराया, जनता ने चुनाव लड़ी और जनता ने देखा है कि यहाँ क्या परिस्थितियां चल रही है और नेता की क्या जवाबदारी बनती है। वो काम करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने हराया है। तो निश्चित है हम उनकी जो जनता की जो भावना है उसकी कदर करते हुए वैसे काम करेंगे। और जो अनैतिक कार्य चल रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ के हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे जो अच्छे लोग बिगड़ रहे हैं, जुआ सट्टा शराब अवैध शराबी बिक रही है, ये सब चीजें बंद कराना। हर गांव में जाते हैं तो लोग इसी की शिकायत करते हैं, तो ये सब चीजें कराना। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा मॉडल बनाना, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा मॉडल बनाना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। एक आखिरी सवाल, परीक्षार्थी हो या कोई नेता, चुनाव लड़ता हो या परीक्षार्थी परीक्षा देता, कुछ न कुछ मान्यता मन में मान लेता, कुछ मान्यता आपने मानी है? जो मान्यता मानी है मैंने कि यह कृषि प्रधान जिला है, कृषि प्रधान, कृषि के संबंध में काम करना है यहाँ पर, कृषि महाविद्यालय की मांग करना है, उसको कोशिश करेंगे कि खुल जाए। अगर खुले तो खुल जाए, क्योंकि सरकार नहीं है तो थोड़ा संख्या तो रहेगी, पर मैं कोशिश करूंगा उसके लिए भी। आपने देखा मेरा काम करने का तरीका, मैंने जब गांधी बनके विधानसभा में घुस गया था तो नहर भी देना पड़ी थी सरकार को। तो इस तरह से तरीके आते हैं और काम करेंगे और हरदा का विकास करेंगे। हरदा रोल मॉडल होना चाहिए, यहाँ नंबर वन बनाने की बात मैं कभी नहीं करता, नंबर वन कभी बना नहीं है। 30 साल से पूर्व विधायक जी भी रहे, मंत्री जी भी रहे, पर नंबर वन बनाने की बात करते हैं और इसमें को जुआ सट्टा चल रहा है तो कैसे नंबर वन बनेगा? शिवराज सिंह से आपके काफी करीबी संबंध रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार में शामिल होने का? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कोई शामिल होने का नहीं, होना होता तो पहले हो जाते, जब खाली टाइम में थे तब लोग तब हो जाते, तो ऐसा कोई समूह नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करते हैं और करते आए और आगे भी करेंगे। श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय जनता को और हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का श्रेय है, जिन्होंने पूरा ईमानदारी से काम करके और हराने का प्रण लिया था कि हमको भाजपा को हराना है, ये दोनों कैंडिडेटों को हराना है। तो आज देखो दोनों कैंडिडेट हार गए। आपके लिए तो राहुल गांधी भी काफी लकी साबित हुए कि हरदा में आप दोनों सीटें दी जब किसी ने लहर में। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी जी को भी बहुत श्रेय है कि वो सभा से बहुत सफल हुई और सभा में देखा आपने पब्लिक कितनी आई थी और उन्होंने जो बात की हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी के मुद्दे उठाए, आदिवासी के लिए उन्होंने बात की, तो उसका प्रभाव भी पड़ा है, उनको भी श्रेय सोचा जाता है। राहुल गांधी की सभा का कारण कहीं न कहीं जीत में कुछ उनका भी योगदान है, उनको भी श्रेय दिया जाता है और इसके लिए राहुल गांधी को भी धन्यवाद देते हैं। आरके दोगने कहते हैं कि हरदा में कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जिसको जनता याद रखे। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।